परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई कर सकें। और परमेश्वर ये चाहता है कि जो मनुष्य जाति जिसको उसने बनाया वो उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। तो जैसे कि आपको मालूम है और मैं यहोशू के चरित्र को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला था तो एक जवाबदारी परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने ये जवाबदारी यहोशू को दी और यहोशू के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। और परमेश्वर ने यहोशू से एक वायदा किया और यहोशू से उसने इस प्रकार कहा, जहाँ यहोशू पहला अध्याय उसमें इसमें लिखा हुआ है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे मैं तेरे संग संग भी रहूँगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यहोशू के साथ एक वायदा किया और वैसे ही परमेश्वर आज हमसे भी वो वायदा करता है कि जो लोग उसके विश्वास के साथ चलते हैं, उसके साथ उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उसको भी उसके साथ भी एक वायदा करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्याग और ना क्या कभी मैं तुम्हें धोखा दूंगा। परंतु परमेश्वर ने उसके सामने एक शर्त रखी, एक बात उसके सामने रखी और वो पांचवें आठवें अध्याय में पद में इस प्रकार लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा से कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि जो व्यवस्था, जो वचन, जो बाइबल के रूप में हमें एक पुस्तक दी गई है, वो पुस्तक को हमें निरंतर पढ़ना है और उसमें जो वचन दिए गए हैं, जो आज्ञाएँ दी गए हैं, जो वायदे किए गए हैं, जो प्रॉमिस हमारे साथ किया परमेश्वर ने, उसको हम स्मरण करते हुए जब हम संसार में रहते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उस प्रकार हमें करना है। क्योंकि जैसे यहोशू को उसने कहा कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पे रात दिन ध्यान देना है। आज हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि परमेश्वर के उस वचन को हम पढ़ सकें। और परमेश्वर ने जैसे यहोशू को कहा कि रात दिन हमें उसको ध्यान देना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, परमेश्वर की ये पुस्तक के जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी और जो हमारे पास एक पुस्तक के रूप में, बाइबल के रूप में है, उस बाइबल को हमें पढ़ना है और जो वचन हम पढ़ते हैं उस पे हमें रात दिन मनन करना है। और इसलिए लिखा हुआ है कि इसलिए कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे। बाइबल में परमेश्वर साफ साफ कहता है, यहाँ यहोशू को कह रहा उसी प्रकार वो हमसे भी कहता है कि इसी प्रकार जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करो। सचमुच में क्या हम अपने जीवन में इस प्रकार से चौकसी करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। और यहाँ पे परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है कि क्योंकि ऐसा करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर साफ साफ हमको शब्दों में कहता है कि ऐसा करने से जब हम परमेश्वर के वचन की चौकसी करते हैं और रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमको एक वायदा करता है, परमेश्वर हमको एक वचन देता है कि ऐसे करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम लोग ये परेशान हैं, आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ हों, आनंद हो, आशीषें आए, आज हम परेशान हैं, परंतु क्या हम अपने जीवन को देखते हैं, क्या चौकसी करते हैं, क्या इस बात में हम परमेश्वर के सामने एक भय के साथ इस संसार में हम रहते हैं कि हाँ प्रभु, जो तूने हमसे वायदा किया था, तूने कहा था कि हम अपने जीवन की चौकसी रखें। चौकसी रखना मतलब अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए क्या मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जो परमेश्वर को ना भाता हो। हमें वही काम करना है जो परमेश्वर की व्यवस्था हमें सिखा रही है, परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। हमें चौकसी करने की बहुत ज़रूरत है, हमें रात दिन परमेश्वर के वचन को स्मरण करने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के वचन का स्मरण करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन की चौकसी करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे करने से तेरे काम जो है सारे सफल होंगे। हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे काम में जहाँ
तकलीफ हो या मुश्किलें हैं, या हम कोई भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे हम काम करने जा रहे हैं, चाहे हम नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे हम मजदूरी करने जा रहे हैं, हम कोई भी क्षेत्र में कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं, कई बार हम जाते हैं ऑफिसों में इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा काम सफल नहीं होता, कई बार हम बहुत सारे ऐसे कामों को करने के लिए जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक रहते हैं, परंतु हम जब जाते हैं तो निराशा हमारे हाथ में आती है और हम चुपचाप वहाँ से लौट के आ जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, वह कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हमारा अनादर हो जाता है, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, और फिर जब हम लौट के आते हैं तो हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, परमेश्वर तू हमें क्यों नहीं बढ़ा रहा है। परंतु परमेश्वर साफ साफ कहता है कि हमें अपने दिलों में झांकने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन की चौकसी करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है कि तू अपने यदि जीवन की चौकसी करे, यहाँ लिखा है कि इसके अनुसार करने से तू यदि चौकसी करे तो मैं कहता हूँ कि जो तू काम करेगा वो सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की ब्लेसिंग जब हमारे साथ में होती है तो परमेश्वर कहता है तू प्रभावशाली होगा। और सचमुच में हम परमेश्वर की वो ताकत को महसूस करते हैं और लोगों के सामने प्रकट करते हैं। यहाँ यहोशू के जीवन में भी एक बहुत सुंदर उदाहरण परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर उसको कहता है कि यदि तू इस प्रकार का करेगा और इस प्रकार अपने जीवन को चलाएगा और इसराइलियों को लेके चलेगा तो मैं तेरे साथ में रहूँगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने यहोशू को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने कभी उसको धोखा नहीं दिया। जब जब यहोशू ने उसको पुकारा, जब जब परमेश्वर के सामने वो आया और परमेश्वर से उसने कहा और परमेश्वर ने उसकी सुधी ली और उसको सारी विपत्तियों से, सारी मुश्किलों से उसने उसको बढ़ाया, उसको आगे ले जाने के लिए हर समय प्रेरणा दी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छी जो स्टोरी परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें मिलती है यहोशू की पुस्तक में। और यहाँ पे एक 17वें पद में भी लिखा है कि जैसा हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग रहे। और यहाँ पे लिखा कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उसको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहना। यहोशू को परमेश्वर कहता है कि तू क्या करना, कि वायदा किया, सब कुछ किया, और परमेश्वर ने उसको जब बताया तो उसने क्या किया, वहाँ पे लिखा है कि ये जो बातें हैं जो मैंने मूसा के साथ कहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा था वैसे तू भी तेरे संग भी रहूँगा। और यहाँ लिखा है कि क्यों ना हो कि जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, उसमें लिखा है कि जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएँ तू दे उसको माने और ना माने तो वो मार दिया जाएगा। परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहता है कि जो यदि तू मेरी आज्ञाओं को मान रहा और उसके बाद तुझे इसराइलियों को नेतृत्व करना है, इसराइलियों को सारे लोगों को बताना है कि इसी प्रकार तुम्हें भी परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलना है, उस पर हमें चित्त लगाना है, रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। परंतु यदि कोई इस प्रकार ना करे तो वहाँ पर लिखा है कि वो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहना। परमेश्वर यहोशू को कहता है कि तू हियाव बांधे रहना, तू विश्वास करते रहना और दृढ़ रहना, अपने अटूट विश्वास के साथ दृढ़ रहना, तब तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा। और हम देखते हैं कि यहोशू हमेशा परमेश्वर के साथ एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर पर उसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको नेतृत्व करता गया वैसे वैसे वो आगे बढ़ता गया और परमेश्वर के अनुग्रह को वो पाता गया और हर काम उसके सफल होते गए। तो परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ये जो मुश्किल का समय है और COVID-19 फैला हुआ है, सब लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोगों के पास राशन नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, आने जाने के लिए व्हीकल नहीं है, सभी चीज़ों का एक डर है, एक भय है और उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे हम आगे का हमारा जीवन चलेगा। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो
परमेश्वर की व्यवस्था को थामे रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है। और उसमें लिखा है कि इस प्रकार यदि तू चौकसी करे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है। तो मुझे मालूम है कि COVID-19 आएगा और चले जाएगा, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी निराश होने नहीं देगा, कभी भी उदास होने नहीं देगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसी मुश्किल समय में, ऐसी विपदा के समय में भी परमेश्वर उनका साथ देगा और उनको आगे बढ़ा के लेके चलेगा और उनके जीवन में उनके परिवार की वो रक्षा करेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के बीच में रहे। और जब COVID-19 फैला हुआ है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, आप आराधना करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना ना छोड़ें, परंतु नित प्रतिदिन प्रभु की आराधना करें। उसमें लिखा रात दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। ये विकट समय है, परिस्थिति अलग है, दुख भरी है, कष्ट भरी है, निराशापूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा कि जीवन किस ओर जा रहा है, आगे क्या होगा। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें, पर यहोशू के जीवन से हम देखते हैं, मूसा के जीवन से हम देखते हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ उनको आगे जाना है, कैसे कैसे मुश्किलों को उनको सामना करना पड़ेगा, उनको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी व्यवस्था कैसी होगी, किस दिशा में जाएंगे, किस रोड में जाएंगे, और उनको कुछ भी नहीं मालूम था। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय समय के अनुसार यहोशू का, मूसा का मार्गदर्शन किया। और हमारे लिए भी यही समय है कि जब हमें नहीं मालूम कि हम क्या करेंगे, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। और जैसे जैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इस मुश्किलों में हम जाएंगे, तो हमें ये मालूम है हर दिन हमारे लिए नया आता है और हर दिन हमें एक चिंता होती है। पर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि यदि तो परमेश्वर की व्यवस्था को थामे और रात दिन उसका चित्त, उस व्यवस्था पर चित्त लगाते हैं और परमेश्वर पर रात दिन उस विश्वास के साथ हम जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो भी हमारे जीवन में आएगी, नई बातें आएंगी, तो उसमें हमें परमेश्वर हर कामों में सफल करेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, क्योंकि यहोशू ने, मूसा ने, जो भी हमारे पुराने जो हम देखते हैं कि अब्राहम है, याकूब है, यूसुफ है, सब परमेश्वर की उसमें, परमेश्वर की मार्गदर्शन में चल रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे। और हमने देखा कि इनके जीवन में परमेश्वर ने कैसा सहयोग किया, कैसे उनका मार्गदर्शन किया और परमेश्वर ने हर मुश्किलों से इनको निकाला। तो हमारी भी बहुत, हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखें और इस समय परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ें। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाएँ। God bless you. Amen.